चीन ने एक बार फिर दी युद्ध की धमकी। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का दिया आदेश। संयुक्त सैन्य कमान के निरीक्षण के बाद राष्ट्रपति का भड़काऊ संदेश। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को कहा जीतने के लिए रहे तैयार। आधिकारिक न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के हवाले से खबर। आतंकी मसूद को अपना समर्थन देकर चीन पहले ही जता चुका है अपनी बदनीयत। आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन। बोमडिला में बुद्ध महोत्सव में होंगी शामिल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी होंगे मौजूद। कभी चीन में कब्जे में रहा बोमडियाल सामरिक लिहाज से बेहद अहम। आज फिर हिमाचल दौरे पर जाएंगे पीएम। इस बार दो दिन का है दौरा। हिमाचल के मंडी शाहपुर और पालमपुर में पीएम मोदी की रैली आज। कुल्लू और ऊना में कल करेंगे जनसभा। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल ने सीएम वीरभद्र पर बोला हमला। कहा चुनाव से पहले ही वीरभद्र ने मान ली है हार। धूमल पर पलटवार में वीरभद्र का बयान। पीएम मोदी से है मेरा मुकाबला। हिमाचल चुनाव के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को दिया पेड हॉलिडे का तोहफा। हरियाणा में नौकरी करने वाले हिमाचल के मतदाताओं को 9 नवंबर को छुट्टी के साथ मिलेगा वेतन। आज गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की 6 रैलियां। गांधीधाम, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बातोड़, अमरेली और अहमदाबाद में करेंगे रैली। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज गुजरात में करेंगे चुनाव प्रचार। अहमदाबाद में करेंगे रैली। गुजरात में 4 कांग्रेस नेताओं का इस्तीफा। राहुल गांधी के वलसाड और वापी कार्यक्रम के दौरान स्वागत नहीं किए जाने से थे नाराज। पाटीदार आरक्षण की मांग में हार्दिक ने लगाया फिल्मी तड़का। सूरत में हक से नाम की हिंदी फिल्म की लॉन्च। गुजरात में चुनाव से पहले हार्दिक ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। मतदान में धांधली की जताई आशंका। ट्वीट में 3,550 वीवीपैट की खराबी का दिया हवाला। सूरत में राहुल गांधी की सभा के दौरान एक लड़की ने राहुल को गुलाब का फूल देने और साथ में सेल्फी खिंचाने की पकड़ी। जिस सुरक्षा बल के उड़े होश। लड़की गुलाब का फूल लेकर पुरुषों की गैलरी से होते हुए राहुल की ओर बढ़ी। तभी सुरक्षा बल के जवानों ने उसे रोक लिया। राहुल के ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ की एल्बम साथ लाई थी लड़की। कुछ नहीं, राहुल से मिलना है, हाथ मिलाना है मुझे। एक में ऑटोग्राफ है और एक में फोटो। अगली बार मिल लूँ। और राहुल जी ने जॉइन समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते ही पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद पर चढ़ा सत्ता का नशा। बिना इजाजत निकाली रैली। कई हिस्ट्री शीटर भी हुए शामिल। भुवनेश्वर में बीजेपी के महिला मोर्चे ने राजभवन के आगे किया प्रदर्शन। रसोई गैस के बढ़े दामों का उठाया मुद्दा। बेगूसराय में बीजेपी सांसद भोला सिंह ने जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया की क्रांतिकारी भगत सिंह से की तुलना। बरपा हंगामा। कन्हैया को भगत सिंह बताने पर बीजेपी सांसद भोला सिंह को छोड़ना पड़ा। कैलाशपति मिश्र का पुण्यतिथि समारोह। बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार ने भोला सिंह के बयान की निंदा की।
बीजेपी सांसद भोला सिंह कार्यक्रम छोड़ने के बावजूद अपने बयान पर अड़े, बोले बीजेपी की है सरकार, अगर कन्हैया देशद्रोही है तो घोषित करें। फिर आप क्या को अगर देशद्रोही मानती है तो हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार है, देशद्रोही क्यों नहीं घोषित? बिहार में एक लड़की के साथ तेजस्वी की फोटो को लेकर गरमाई सियासत, आरजेडी ने जेडीयू पर लगाया डर्टी पॉलिटिक्स का आरोप। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को कुछ लोगों ने दिखाया काला झंडा, मुर्दाबाद के लगाए नारे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीटा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को पागलखाने भेजने की बात कही। यूपी के हरदोई में नगर निगम चुनाव में टिकट को लेकर भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, पिटाई से एक नेता हुआ बेहोश। टीएमसी के पूर्व सांसद मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल, सीएम ममता के खिलाफ बुलंद की आवाज, बोले पश्चिम बंगाल की जनता चाह रही विकल्प। हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाकर घिरे अभिनेता कमल हासन, यूपी के वाराणसी में केस दर्ज, आज होगी सुनवाई। योग गुरु रामदेव आज बनाएंगे खिचड़ी पकाने का गिनीज रिकॉर्ड, एक टन खिचड़ी पकाकर ब्रांड इंडिया फूड का करेंगे प्रचार। दिल्ली में रामदेव के खिचड़ी पकाने की कौशल में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत बादल रहेंगे मौजूद। मशहूर शेफ संजीव कपूर भी आज वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट में पकाएंगे 1100 किलो खिचड़ी। अजमेर में ख्वाजा के दर पर देग में पकती है खिचड़ी, जायरीनों में बटने वाला ये व्यंजन जर्दा के नाम से है मशहूर। देहरादून में शुरू हुआ तीसरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फिल्म निर्देशक सुभाष घई में दीप जलाकर की शुरुआत। उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में गर्भवती महिला के लिए एक डॉक्टर बना भगवान, इलाज के लिए 8 किलोमीटर तक चारपाई पर लाद कर पहुंचाया अस्पताल। गाजियाबाद के सियानी गेट इलाके में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा हुआ फरार। मथुरा में रूसी महिला से रेप, एक बैंक मैनेजर पर लगा आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। नोएडा के चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में 2 महीने में हुई 30 मासूमों की मौत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की पुष्टि। मुंबई के नेहरू नगर में छेड़खानी के दौरान पिटाई से घायल छात्रा की दिल्ली सेहत अस्पताल में कराई गई भर्ती, पीड़ित परिजनों को मिल रही धमकियां। दीपिका पादुकोण के संजय लीला भंसाली की तीसरी फिल्म साइन करने की खबर, साहिर लुधियानवी की बायोपिक में अभिषेक बच्चन के साथ दिख सकती हैं दीपिका। 27 सालों बाद फिल्म सड़क का बनेगा सीक्वल, सड़क 2 में नजर आएगी संजय दत्त और पूजा भट्ट की पुरानी जोड़ी। पति शाहरुख की बर्थडे पार्टी में पहनी ड्रेस को लेकर पत्नी गौरी खान पर उठे सवाल, सफेद ड्रेस में तीसरे तस्वीरें सामने आने के बाद हुई चोट। शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी में फिर दिखे आलिया सिद्धार्थ की केमिस्ट्री, एक सी जैकेट पहनकर नजर आए दोनों। सलमान कटरीना की आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है की तस्वीरों ने मचाया धमाल, 22 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।